इन दिस सेक्शन आई विल टेल यू हाउ द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कैन हेल्प आस इन रिड्यूसिंग द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉपर्म सो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मैंने डिस्क्राइब किया था वो तमाम इंस्टीट्यूशनस हैं जो कि फाइनेंसिस के लेन देन में काम करते हैं लेन देन के बारे में काम करते हैं और बैंक्स हैं उनमें इंश्योरेंस कंपनीज हो सकते हैं म्यूचुअल फंड की कंपनीज हैं ये तमाम इंस्टीट्यूशन जो हैं ये क्या करते हैं ये मनी फाइनेंस के अंदर लेन देन करते हैं इसलिए हम इसको फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहते हैं कलेक्टिवली तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कैन हेल्प आस इन रिड्यूसिंग द फ्री राइडर प्रॉब्लम फ्री राइडर कौन था जो इंफॉर्मेशन बाय नहीं करता ऑब्जर्व करता है हाउ स्मार्ट पीपल आर या गुड इन्वेस्टर्स या बड़ी बड़ी कंपनियाँ किस तरह से बिहेव कर रही हैं फाइनेंशियल मार्केट में उनको ऑब्जर्व करता है उनको कॉपी करता है और उसके मुताबिक हमने फाइनेंशियल डिजिशन ले लेता है और ऐसा करने से क्या होता है कि वो तो कोई सब्सक्रिप्शन नहीं दे रहे हैं वो तो कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को बाय करने के लिए येट दे आर गेटिंग एडवांटेज तो फ्री राइडर प्रॉब्लम को को कट डाउन करने के लिए और मॉरल हैजर्ड को कट डाउन करने के लिए और प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को कम करने के लिए फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बहुत अहम रोल प्ले करती हैं और एक बहुत खास तरह की फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की हमने के पास हमारे पास एक टाइप है फर्म्स की जो कि हमें बताती है कि किस तरह से इस फर्म के थ्रू आप इन तमाम प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं प्रॉब्लम्स कौन से थे प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है मॉरल हैजर्ड है हमारे पास और फ्री राइडर प्रॉब्लम है तो उसमें क्या है कि वो जो खास तरह की फर्म है जिसमें ये तमाम प्रॉब्लम्स को टू अ ग्रेटर एक्सटेंट तक कट डाउन किया जा सकता है दैट फर्म इज कॉल्ड अवेंचर कैपिटल फर्म नाउ द क्वेश्चन अराइजेज वॉट इज मेड बाई अचर कैपिटल फर्म वेंचर कैपिटल फर्म्स क्या करती हैं वो रिसोर्स को अपने डिफरेंट पार्टनर्स से लेके रिसोर्स उनको पूल करती हैं यानी कि फॉर एग्जाम्पल देर आर सिक्स पीपल और फाइव पीपल और टेन पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग अर्टन टाइप ऑफ बिजनेस दे हैव गॉट देयर ओन एक्सपर्टीज जैसे कोई सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है तो कोई आदमी है जो कि फ़ाइनेंस को हैंडल करने में बहुत स्मार्ट है कोई ऐसा आदमी है जो कि सॉफ्टवेयर बनाना उसको बहुत अच्छी तरह से आता है और उसके पास थोड़े से पैसे हैं और जो फाइनेंस हैंडल कर सकता है उसके पास थोड़े से पैसे हैं और जो मार्केटिंग में मार्केटिंग के कैम्पेन्स चला सकता है लोगोज़ बनाता है इस तरह के काम करता है वो उस उसके पास थोड़े से पैसे हैं और उसको अपना काम आता है तो देर कैन बी आर पॉसिबिलिटी कि ये तमाम जो लोग हैं अपनी अपनी डिफरेंट रिल रिलेटिव एक्सपर्टीज के साथ दे पूल देयर रिसोर्स दे पुल देअर मनी दे पुल देअर एफर्ट्स वो जमा करते हैं अपने सारे रिसोर्सिस को और एक फॉर्म इस्टेब्लिश करते हैं जिसको हम कह रहे हैं वेंचर कैपिटल फॉर्म और ऐसा करने से क्या हो रहा है कि इस तरह की फॉर्म्स के थ्रू आप प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को कट डाउन कर सकते हैं और मॉरल हैजेट को कट डाउन कर सकते हैं आप फ्री राइडर प्रॉब्लम को कट डाउन कर सकते हैं और वो कैसे होगा वो ऐसे होगा कि तमाम लोग मिल अपना एक वेंचर इस्टेब्लिश करेंगे मार्केट में लॉन्च करेंगे स्टार्टअप के तौर पर एक नई बिजनेस पैदा होगी क्रिएट होगी और उसमें क्या करते हैं वेन दे आर सेटिंग अप देयर न्यू वेंचर तो दे विल दे विल दे विल पुट देयर मनी दे विल पुल their रिसोर्सेज तो क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा पैसा आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है तो अभी क्या हुआ जब सिंस दे आर पुलिंग देयर ओन resources तो उस ऐसे के सिचुएशन में क्या होगा कि वहाँ प्रिंसिपल एजेंट का प्रॉब्लम नहीं है आपको किसी को और को भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है तो ये कोशिश करते हैं कि जो की पोजिशन हैं डिसशन मेकिंग की वो इनके खुद के पास ही रहें और जो मुख्तलिफ तरह के मैनेजिंग बॉडीज़ हैं या गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो उनमें ये ख़ुद ये वो रोल्स प्ले करते हैं और ऐसा करने से क्या होता है इनकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती और इनको कोई और एक्स्ट्रा इस तरह के बंदे नहीं रखने पड़ते जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा और प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम की पैदा होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है और बिकॉज़ दे आर पुलिंग देयर रिसोर्स दे आर डूइंग देयर थिंग्स ऑन देयर ओन एंड दे आर दे देम आर सिटिंग ऑन द की पोजिशंस की पोजिशन वो तमाम जहाँ डिसीशन मेकिंग हो रही है तो वहाँ मॉरल हैज़र्ड भी नहीं होगी राइट right? और चूँकि बाहर से लोग इन्वॉल्व नहीं करे तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बाहर डिसमिनेट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो वहाँ फ्री राइडर प्रॉब्लम को भी आप काफ़ी एक्सटेंड तक कट कर सकते हैं सो so, बेसिकली आपस में चूँकि पहले से डिसाइड हुआ हुआ है सारे एक दूसरे को जानने वाले ज़्यादातर लोग हैं लिहाजा ऐसा करने से जो वेरीफिकेशन एक्टिविटीज़ हैं या डेटा की वेरिफिकेशन हो रही थी या ये तमाम चीज़ों के लिए जो कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ती है थी वो भी नहीं करनी पड़ सकती और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर इफ़ वी लुक फॉर द एग्जांपल्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड तो वी सी अ नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज पर्टिकुलरली जो यूनाइट स्टेट्स में बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स वेंचर कैपिटल फर्म्स के तौर पे इस्टेबलिश हुए कामयाब हुए हज़ारों की तादाद में जहाँ जो कि हाई टेक सेक्टर में हाई टेक सेक्टर में हमें देखने को मिलते हैं और ऐसा ढेर सारे वेंचर कैपिटल फर्म्स के बहुत ज़्यादा इमर्ज करने से या बहुत ज़्यादा क्रिएट होने से uh, क्या हुआ कि हमने उन हिस्सों में जहाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हुई स्टार्टअप्स वेंचर कैपिटल फर्म्स उन उन सेक्शंस ऑफ यूएसए में हमने देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन हुई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ और उससे जब ये बहुत कंपटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया इन्होंने तो उससे ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनकी कंपटिवनेस बढ़ी बहुत ज़्यादा हद तक जिसकी वजह से आपने देखा है कि पिछले चंद सालों में जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी के या टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स की या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स या गैजेट्स इस्तेमाल होते हैं उनमें हमें एक सिग्निफिकेंट बूम नज़र आता है सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नज़र आती है तो इस पीछे इसके पीछे काफ़ी हद तक हमें वेंचर कैपिटल फर्म्स का अमल दखल देखने को मिलता है कि वहाँ उन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने से जो भी मेजर प्रॉब्लम्स हमने अभी तक डिस्कस किए थे जैसे मॉरल हेजड है फ्री राइडर प्रॉब्लम है प्रिंसिपल एजेंट का प्रॉब्लम है इन तीनों को काफ़ी हद तक उन्होंने ओवरकम करने की कोशिश की थी टू वेंचर कैपिटल फॉर्म्स